हेलो दोस्तों, देव इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ऑटो स्विच रखा हुआ है। दोस्तों, ये 3 फेस का ऑटो स्विच है। ये देखिए, 3 फेस का ऑटो स्विच है। तो इसमें कोई पावर नहीं आ रहा है दोस्तों, ये चल ही नहीं रहा है। तो ये देखिए, ऑन ही एलईडी है, इसमें एक ही एलईडी है। तो दोस्तों, लाल और ब्लू वायर को हम करंट में देंगे तो ये लाइट ब्लिंकिंग करने लगता है, यानी कि ये चलने लगता है। तो ये नहीं चल पा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये नहीं चल पा रहा है। मैं ज़रा आपको बोर्ड में लगा कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बोर्ड पर लगाया तो इसमें कोई पावर नहीं आ रहा है। सिंगल फेस में चलता है, लेकिन लाइट ब्लिंकिंग करने लगता है तो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसको खोल कर देखते हैं इसमें कौन सा फॉल्ट हुआ है जो कि नहीं चल रहा है। तो इसको खोल कर देखते हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने ऑटो स्विच को खोल लिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो देखिए, मैंने खोल लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है। तो ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है दोस्तों, तो हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का लाल और काला वायर को आपको लगाना है। मल्टीमीटर को दोस्तों कंटिन्यूटी और मोड पर लगाना है, और दोनों वायर को हमें लगाना होता है लाल वायर पर। तो हम लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने लगाया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो ये देखिए, 500+ रीडिंग आता है दोस्तों यहाँ पर। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों बर्न हो चुका है। तो काला वायर में लगाते हैं दोस्तों। ये देखिए, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है, यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर फूक चुका है। तो यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लिया, और सीरीज पे दोस्तों 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया ताकि ये ख़राब ना हो और अच्छे से वर्क करे। तो मैंने दोस्तों लाइन का वायर लगा लिया है। फाइनली इसको ब्लैक वायर लगा लेते हैं। तो लगा लिया दोस्तों, इसको हमें चेक करना होता है अभी। तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऑटो स्विच ठीक हो चुका है। तो अभी मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि 3 फेज होना चाहिए। तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा।